रायपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कलयुगी मां बेटा मिलकर भोली भाली लड़कियों को अपना जाल में फंसाकर जिस्म फरोशी का धंधा करवाते थे। देखिए ये रिपोर्ट। इंसानी रिश्तों को कलंकित करने और लालच से रिश्तों को रसातल तक नीचे ले जाने की शर्मनाक ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, ये घटना ही कुछ ऐसी है। दरअसल रायपुर में हैरान कर देने वाले इस मामले में पुलिस ने सगे माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस कारनामे में माँ और बेटे दोनों ही मिलकर ऐसा जाल बिछाते थे जिससे भोली वाली मासूम लड़कियाँ इनके जाल में फंस जाती थी। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था। जिस छत्तीसगढ़ के समाज की रीति रिवाज और मान सम्मान की लोग दुहाइयां देते नहीं थकते हैं, उसी छत्तीसगढ़ में समाज की बुराई बने माँ बेटे ने दूसरों की बेटियों को अपनी गरीबी का झांसा देकर ऐशो आराम का साधन बना लिया था। आपको बता दें कि बेटा पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर माँ लड़कियों को अपनी मजबूरियों का हवाला देकर देह व्यापार में उतार देती थी। रायपुर की कबीरनगर थाना पुलिस ने दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। पुलिस ने माँ बेटे के सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। सिविल लाइन सीएसपी अभिषेक महेश्वरी ने बताया है कि क्षेत्र में जिस्म फरोशी के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपी आशा वर्मा और उसका बेटा मुकेश वर्मा है। मुकेश वर्मा लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर लड़कियों को मजबूरी का झांसा देकर अन्य ग्राहकों से संबंध बनवाता था। आरोपी मुकेश इन लड़कियों को दुर्ग रायपुर के साथ राजनंदा गाँव भिलाई में भी सप्लाई का काम किया करता था। पुलिस ने इस पूरे मामले का तार मानव तस्करी से भी जोड़ा है। पुलिस मामले की तह तक जाने की बात कह रही है। बहरहाल रायपुर पुलिस ने इस जिस्म फरोशी धंधे को चलाने वाले कारोबारियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, पर अब देखना होगा कि रायपुर में कब तक जिस्म फरोशी के धंधे पर पूरी तरह से रोक लग पाती है। नीरज तिवारी, टोटल न्यूज़, रायपुर।